दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, जहां पे यह दिखाया गया था कि अगर आप उसे एग्री करते हैं तो उसके टर्म एंड कंडीशन को मानते हैं, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आपकी जो अकाउंट है वो 8 फरवरी तक डिलीट कर दी जाएगी परमानेंटली रूप से। लेकिन अभी ये अपडेट निकल के आया है दोस्तों कि जो आपकी डिलीटिंग की जो सिस्टम थी 8 तारीख तक, उसे यहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि लोग जो है वो इसको गलत मीन्स में ले रहे हैं, यानी समझ नहीं रहे हैं ये जो चीज़ें हैं, चैट है या फिर जो कॉल्स है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हम लोग जानते ही हैं। अब इसकी जो डेट है वो 15 मई तक तो कर दी गई है, उसके बाद इसने कन्फर्म नहीं बताया है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से हुई है या फिर नहीं। लेकिन ये बताया गया है कि 15 मई तक जो है वो कोई ना कोई डिसीजन लिया जा सकता है, और उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी को ला भी सकते हैं या फिर नहीं भी ला सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो सकता है दोस्तों कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हो क्योंकि इस बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल हो गया था, ट्रेंड हो गया था कि व्हाट्सएप जो है वो चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है, और काफ़ी लोग जो है वो दूसरे एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर टेलीग्राम है या फिर सिग्नल ऐप है वही एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि इसकी जो यूज़र्स है वो कम होते जा रहे थे और उसके यूजर्स जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो हो सकता है कि इस प्रॉब्लम के वजह से यहाँ पे डिसीजन ना ले पा रहा हो और इसीलिए जो है वो डेट को बढ़ा दिया गया हो। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इसके पीछे आपको क्या लगता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि अभी तक YouTube पे किसी ने नहीं बताया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ऐसे ही सपोर्ट देखने को मिलती रहे।